इस गाने में जिस तरीके से म्यूजिक ने अपना पार्ट प्ले किया है, वैसे डीओपी जी जो सुनील पटेल जी हैं, उन्होंने भी बहुत अमेजिंग काम किया है। द कोरियोग्राफर देवो सुरेश नायर, उन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है। और काफी बातें इस गाने के बारे में करेंगे, बट लेट्स गेट स्टार्ट। वेल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, फुल शादी वाला वाइब, टग ऑफ वॉर, थोड़ी सी नोक जोक, क्या बात है, व्हाट ब्रिलियंट एक्टिंग, इट वाज रियली कमेंडेबल, गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है। ऑलराइट, टाइम फॉर मी टू इनवाइट, मतलब यार जुबिन जो है जब भी वो गाना गाते हैं तो 100 मिलियन के नीचे तो मतलब वो होता ही नहीं है, राइट? एवरीबॉडी एग्रीज टू दैट, राइट? सो आई वुड लाइक निकिता एंड जुबिन टू प्लीज कम ऑन स्टेज, आई हैव अ लिटिल क्यू एंड ए सेशन, गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात। इस गाने में केमिस्ट्री आप लोग की बहुत अमेजिंग लग रही है, राइट? है कि नहीं? थोड़ा साथ दो ना यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, यू हैव टू लाइक, राइट? सो केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग लग रही है। सो आप लोग ने इसे ऑफ स्क्रीन से ऑन स्क्रीन, मतलब हाउ डिड यू ट्रांसफर दिस केमिस्ट्री? सो यार होता ही है, जब आपकी दोस्ती होती है किसी के साथ और देन यू गेट टू वर्क विद दैट पर्सन, तो मुझे लगता है केमिस्ट्री आती है, फिर काम में भी केमिस्ट्री आती है। आई थिंक देयर इज अ कंफर्ट जोन मी एंड निकिता हैव क्रैक्ड वेयर वी कैन वर्क टुगेदर वेरी वेरी कंफर्टेबली। हाँ, बट आई नो व्हाट यू मीन टू से। हाँ, निकिता, हाउ अबाउट यू? Well, I totally agree with him. I mean, I have this certain comfort level of working with Jubin. Also, he's very easy to work with. So yeah, I think probably that has easily been translated on screen. That's amazing. Well, this is, I believe, your first ever single with TC. Yes. So how was it working with the whole team and of course Jubin? How was the whole experience? Absolutely lovely. I think when we talk about music videos, they are by far the best ones here in the industry. So it is an honor, a privilege to be here working with them. And their team is a delight to work with. I have had one of the best times shooting with everybody, even behind the camera. So can just say thank you for being so supportive and making sure I had a great time. Kya baat hai? All right, moving on. Jubin, bahut pehle, back in your days, aapne Nikita के यू नो एक यू नो अमेजिंग चीज के लिए आपने गाना गाया था और एक दूसरे के पास, इट वाज दिस थिंग व्हिच यू नो, सो हाउ इज दैट एंड हाउ इज इट नाउ द वाइब विथ हर, बिकॉज यू सैंग इट फॉर हर देन, अभी कैसा है? सवाल कोई भी पूछो, यहीं से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के वहीं आता है। तो देखिए, When I sang for her for the first time, लोग उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी, हमें नहीं पता था कि we'll do such a beautiful song together eventually. And I didn't know that she's gonna be my first on-screen wife, you know what I mean? So, I mean, this was just, I think it was written like this. We met then and eventually हम लोग की दोस्ती जो है बड़ी बड़ी बड़ी, फिर हमने गाना साथ में करा, इसलिए केमिस्ट्री अच्छी आ रही है. And must agree to that. Well, बातें बहुत हो गई, अभी जुबिन स्टेज पे हैं, आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ मस्त नजरों से। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर जुबिन नौटियाल, हियर वी गो। बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। यस, सर थोड़ा सा रिवर्ब काट दूँ, लेट आ रही हो। कैन आई कॉल द म्यूजिक टीम ऑन विद मी प्लीज? सर प्लीज, आप लोग साथ रहेंगे स्टेज पे तो मुझे हिम्मत ज्यादा आएगी गाना गाने के लिए। मनोज मुंतशीर जी एंड रोचक कोहली इन द हाउस, गिव इट अप। देखिए, इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास। मनोज सर, आप गाएंगे? जी बैठे हुए हैं, इसके बाद में किसी से
बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना। जुल्फ से जब पानी झटका तूने झूम के, हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम जराफत। लौट आई पागल आंखें तुझको चूमके, इश्क थाया जहर चढ़ गया था, इश्क थाया जहर चढ़ गया था। होश में आज तक ना न पाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली है। जीते जी कोई वापस ना आए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू। Give it up, ladies and gentlemen. All right, this song has been arranged by Aditya Dev Ji. Wo wahan par baithe hain. Give it up for him. It's a lovely, lovely song. Thank you so much. Please, please, please come on stage. All right, it's time for me to invite the main man here, the MD and the chairman of T-Series, Mr. Bhushan Kumar. May I please have you on stage? Talia! सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड आप हमेशा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने लेके आते हैं, ऑडियंस बहुत प्यार करती है। यू नो, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये गाने का कॉन्सेप्ट और ये जहन में कैसे आया है। ये हमारा थर्ड इन अ रो इस मूड का गाना है। फर्स्ट वी डिड लुट गए, दैट वाज आल्सो विद जुबिन, एंड देन वी डिड दिल गलती कर बैठा है, दैट वाज आल्सो विद हिम, and now this one, Mast Nazaron Se. And I think Manoj ji was only me and Zubin, they both were common in this song. So ye jo melody hai, means it is our Indian melody, and this type of songs never fail, means, and ye hum bachpan se is type ke melody sunte aa rahe hain. To hamara T-Series mein yahi rehta hai ki main jo cheez public sunna chahti hai, we try and make that. To meri kafi Manoj ji se बैक एंड फोर्थ होता है लिरिक्स को लेके, एंड इवेंचुअली देन हम हार्डवर्क करके ये चीज़ अचीव कर पाते हैं। सो मीन्स इट्स ऑल टीम वर्क, एंड इट्स नॉट ओनली माई जॉब और थिंक, यस द सीड कम फ्रॉम अस, क्योंकि वी आर सिटिंग इन द मार्केट एंड वी कम टू नो वॉट पीपल वॉन्ट्स टू लिसन मोर। सो उसके हिसाब से फिर पूरी टीम साथ में होती है, एंड देन बैक एंड फोर्थ करके चीज़ें बनती है। उसके लिए आपको मनोज जी ज़्यादा बताएंगे कि मैं कितना इनके साथ हमारा झगड़ा होता है, मतलब लेकिन फॉर द गुड वर्क। और हमेशा जब झगड़ा होता है तो पहली बार जब फीडबैक आता है तो मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था, भूषण जी को पसंद ही नहीं आया, तो 15 मिनट में अपसेट रहता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ जो भूषण जी ने पॉइंटर्स बताए होते हैं। बाय द टाइम वी रीच थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट, और ये भी बता दूं मैं कि मैं भूषण कुमार के अलावा किसी के लिए दूसरा ड्राफ्ट नहीं लिखता। तो तीसरा चौथा ड्राफ्ट आते आते मुझे भी लगता है कि जो भूषण जी ने पहला रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट होने लायक था, चौथा वाला सही है, यही बनना चाहिए था। एक चीज भूषण जी ने बताई नहीं, मैं जरूर बताऊंगा कि एज ए कंपनी टी सीरीज हमेशा जो देश के हालात हैं उन पे हम एक बहुत कीन नजर रखते हैं। मुझे याद है इस गाने को बनाने के पहले मेरी जब मुलाकात हुई थी, रोचक भी थे, मैं भूषण जी रोचक, भूषण जी ने एक बात कही थी कि बहुत दुख दर्द से गुजरा है देश अभी पैंडमिक के दौरान, हम अगर थोड़ी स्माइल्स दे पाएं, थोड़ी मुस्कुराहटें दे पाएं, थोड़ी खुशियां दे पाएं म्यूजिक के माध्यम से, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ, ये पहली मोहब्बत का गाना है, पहली नज़र के प्यार का गाना है, मोहब्बत के सेलिब्रेशन का गाना है, लेकिन ये टी सीरीज का एक गिफ्ट भी है इस देश को कि देखो हंसने के, मुस्कराने के, खुश रहने के मौसम वापस आ गए हैं, खुश रहो सब लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है। सर, एक और आखिरी सवाल है आपसे, ये जानना चाहता हूँ, ये जो ट्रायो खड़े हैं ना यहाँ पे, जुबीन, मनोज एंड रोचक, इनको आप हमेशा यू नो यू यूज देम इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। सो यू नो
आप इनको क्यों मतलब हमेशा चूज करते हैं? अरे नहीं, ये फैमिली है, हम लोग एक फैमिली है। मैंने आपको जैसे बताया, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, एंड हम तो फैमिली मानते हैं। आई थिंक रोचक भी मानता होगा। सो वी ऑलवेज से कि इट्स अ टी सीरीज फैमिली, एंड अभी भी जब ये गाना रिलीज हुआ है, एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन 3, 4, 5 आई डोंट नो मेनी सॉन्ग्स विच वी आर डूइंग। सो इट्स ऑलवेज मीन्स ये हमारा कम्फर्ट लेवल है, दे अंडरस्टैंड मी। नहीं तो नॉर्मली म्यूजिक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अपनी बात पे अटक जाते हैं कि नहीं हमें यही करना है, लेकिन आई नो मीन्स ये कभी नहीं अटकते, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मैं कुछ अपनी ईगो के लिए नहीं बोलता, नहीं मैं बोल रहा हूँ तो वो सही है। मैं जेन्युइनली जो चीज़ पब्लिक को ठीक लगेगी उस हिसाब से एडवाइस देता हूँ, एंड दे टेक दैट एडवाइस। तो वो जैसे अभी ये अभी हम बात कर रहे थे, बीच में एक पार्ट था जो जहाँ पे शी इज़ डांसिंग, दैट वॉज नॉट देयर बिफोर, बिकॉज वी वर मेकिंग अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। फिर मैंने इनको बोला यार एक पार्ट वहाँ पे डालो, जो वहाँ पे द फीमेल सरगम, हाँ वहाँ पे सरगम डालो, वहाँ पे परफॉर्मेंस आ सके। गेट अप लेडीज एंड जेंटलमैन। और शादी हमेशा यार ब्राइड और ग्रूम के अलावा ब्राइड के जो बेस्ट मैन होते हैं और ब्राइड्स मेड होती है, वो लोग शादी को कंप्लीट करते हैं। मैं प्लीज आस्क बोथ ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स हेमंत सोली एंड अनुष्का सेन। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार ताली हो जाए। अब आपके लिए सवाल है यार, आप बेस्ट मैन, ब्राइड्स मेड, कमिंग टुगेदर, आप एक्सपीरियंस कैसा है? सो द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। ये जो गाना है ये इतना ब्यूटीफुल गाना है कि जब हम शूट कर रहे थे ये लग ही नहीं रहा था शूट है, क्योंकि जो होली सीक्वेंस था एंड जो डांस परफॉर्मेंस था, सारे पार्ट्स इतने ब्यूटीफुली हमने शूट किए कि इट एक्चुअली फेल्ट लाइक वी वर अटेंडिंग अ वेडिंग जेन्युइनली। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जुबिन सर, एंड ऑल्सो आई हैव टू से दैट इट्स माई सेकेंड टाइम आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद टी सीरीज, एंड इट्स लवली टू मीट यू सर। आई हैव टू से दैट just being a part of a song which is so beautiful, I'm just very happy that जैसे उन्होंने कहा कि ये गाना is just for people to smile and spread smiles, so I'm very happy that I'm a part of it, and we had a great time together shooting and it was just amazing. Ashish sir is a very very good director sir, he has given inputs which has made the song look so great, so it's the teamwork. Hats off to the team of TCE, the entire team, the dancers, the choreographers, everybody. ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड, जब ये गाना शुरू हुआ तो स्टार्टेड विद अ प्रैंक। राज चाना ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे बोला कि जुबिन की शादी हो रही है, सो मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गया, एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई हम तो घर वाले लड़के वाले तो हमें तो पूरी तरह से इसमें रंग डालना है। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और धीरे धीरे वो माहौल और क्रिएट होता गया, शिवम सोनल सब उसमें मिलते गए, and then finally I was told that this is going to be a song. इसी बीच में मैंने उन्हें कॉल भी कर दिया था ये पूछने के लिए कि हो रही है नहीं हो रही है, कपड़े सिलवाने हैं नहीं सिलवाने, जल्दी बताओ। अभी भी क्वेश्चन है हो रही है नहीं हो रही है सर, मैं इसीलिए प्रमोशन सेंट है, इसीलिए मैं पूरे स्टेज पे सबके सामने नहीं अभी भी छुपा रहा था, ये दोनों छुपा रहे थे इस बात को, तो बाबा बता दो असली में कपड़े सिलवाने बता दो। नहीं मतलब मेरा अगला सवाल यही है कि यार आपने रील में तो बता दिया कि आप उसके बेस्ट मैन हैं, तो अभी रियल लाइफ में कभी बन रहे हो बेस्ट मैन? मुझे लगता है रियल लाइफ में मुझे बेस्ट मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि अगली शादी गलत जगह तीन डाल रहे बाबा। अभी कहानी शुरू हुई है, सो अगेन कमिंग विद द एक्सपीरियंस, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल टीम, स्टार्ट्स विद माय डायरेक्टर आशीष भाई, हम लोग सेट पे, आशीष एंड मी हैव बीन कनेक्टेड सिंस यारिया, और मैं इस चीज़ में डेफिनेटली मानता हूँ कि मेरा बेस्ट काम आशीष भाई निकलवाते हैं मुझसे, वेदर इट वॉज जारिया और वेदर इट वॉज द कमिंग सॉन्ग, हमने बीच में वफा नारा सही किया, बेवफा भी किया, द एंटायर एल्बम सॉन्ग्स वर रियली गुड, एंड मोर देन दैट आई वुड लाइक टू थैंक सर, क्योंकि सर इतने अमेजिंग सॉन्ग्स, लास्ट ईयर वॉज अ कम्प्लीट रोलर कोस्टर, so much to get from the audience, so much love I was getting, so thank you for making me a part of all these songs sir, and Ashish bhai thank you, ye heroism aur ye jitna hai ye sara aapki wajah se aata hai yahan pe, jis tarah se aap use dikhate ho, aur usse bhi badi cheez hamare jo projects create hote hain to jo base start hota hai
It starts from here. So thank you, Bhushan sir, again. Alright, may I please request Mr. Ashish Panda to please come on stage. Give it up, ladies and gentlemen, the director of this lovely, lovely song. सर मेरा सवाल आपसे यही है कि इतना ब्यूटीफुल इतना ग्रैंड और जो शॉट्स आपने लिए हैं एक बहुत सारी चीज़ें एंड मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछनी है वो जो गाल से गाल गुलाल लगाने वाला वो जो सीन है वो आप मतलब कैसे मतलब कहाँ से जहन में आया ये कैसे सोचा बताइए थैंक यू सुनील सर ये आपने इतनी अच्छे से इसको कलरफुली दिखाया है एक्चुअली एंड थैंक यू डेबो बाकी ये जो रोमांस है एक्चुअली एक्टर्स भी काफी कुछ ऐड कर लेते हैं हम तो थोड़े से सोचते हैं कि कम लगाना और धीरे से ही कुछ करना और बहुत कुछ कर लेते हैं बाकी बट सर का विजन बहुत अच्छा है वो जब आते हैं ना वो हमें बताते हैं ना तो इतना पैशनेटली बताते हैं कि हमें इजी हो जाता है करने के लिए सही में थैंक यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू जुबिन रोचक एंड मनोज यार आप बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं यू नो एक एक चीज होती है कि यार हमने गाना बना दिया एंड देन इट वेंट टू अ सर्टेन पॉइंट बट इट्स बैक टू बैक हाउ डू यू कीप चर्निंग सच अमेजिंग सॉन्ग्स रोचक स्टार्टिंग विद यू आई थिंक एक तो वो मैजिकल ट्रायो वाली बात नहीं है इट्स द मैजिकल पंच क्योंकि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल भूषण सर इज विद अस सो ही इज ऑलवेज गाइडिंग जैसे इन्होंने बोला सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट यू नो बी रिसीविंग हिज इनपुट्स इट्स ऑल्सो ही लिसनिंग टू अस यू नो ऑल द टाइम सो आई कैन यू नो कॉल हिम एट 12 in the night and he'll pick up my phone. So, you know, and that's, I think you've been with you also, Manoj, you've with you also, right? So, thank you, sir, for being such an amazing person. And, of course, Aditya, because Aditya is the guy who, you know, produces our music. So, wo jo sara amazing beats hai aur sara amazing music hai, wo Aditya ka hai. So, it's the magical punch. So, इन्होंने ये जो बात बोली ना कि भूषण सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं गानों पर फीडबैक देने के लिए ये बात लोगों को फिगरेटिव लग रही होगी मुहावरा लग रहा होगा ये सच है 12:30 रात में जगा के मैंने एक लाइन पूछी थी सर ये कैसी लग रही है एंड आई मैंने बाद में वॉच ये तो एकदम इसमें ये ठीक है वो ठीक नहीं है इसको हटा दो वो बदल दो एकदम जैसे कि दिन के 12 रहे हूँ एंड वेन आई डिस्कनेक्टेड आई रियलाइज आई हैड कॉल्ड हिम एट 12:30 द नाइट एंड ही रिस्पॉन्डेड टू दैट कॉल और ऐसे बात की जैसे कि ये हम साथ बैठ के कोई गाना बना रहे हैं तो दैट इज द पावर द करिश्मा एंड दैट इज द मैजिक ऑफ बीइंग भूषण कुमार एक बार तालियां इस चीज के लिए और जब आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके सारे गाने हिट हो रहे हैं तो मैं ईमानदारी से बता दूं P-Series के बाहर वाले मेरे हिट नहीं हो रहे हैं दैट्स इट ऑल अबाउट इट जुबिन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यार आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम लोग को एक पहला गाना निकालने का मौका मिला था सर मेरी आशिकी उस वो का पहला गाना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था अभी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और हम आ गए उसमें भी शुरुआत आई थी बारिशें आ गई चली गई और इसमें भी है बारिशों का ये महीना सेम डायरेक्टर सेम कंपोजर सेम राइटर एंड मेरा नहीं था मुझे फायर कर दिया अंडर ऑल बचा रश्मि विराट का ये आपके लकी चार्म डायरेक्टर हैं यस तो जितने भी गाने मैंने और आशीष भाई ने साथ में करें वो इवेंचुअली दे हैव यू नो मतलब हम लोग की एक्सपेक्टेशन से भी काफी मतलब जैसे बोलते हैं ना दो दो तीन तीन साल चार चार साल गाने चल रहे उस तरह का उसका है तो इट्स जस्ट स्पेशल आई थिंक गॉड हैज गिवन अस दिस चांस टू वर्क टुगेदर एंड मेक दिस beautiful music together Adi bhai and all under sir he really puts in a lot of himself in the song every time and wo passion jab aapki team ke captain mein utna passion hota hai to phir team ko lagta hai ki abhi aur mehnat karni hai we have to pull out better songs so I think that's where we are at so yeah thank you all right give it up ladies and gentlemen for the whole team here well ek aur choti si request hai ki Nikita ka favorite gana hai to आ गए हम उसके कुछ लाइंस अगर आप निकिता के लिए आई नो तू ही जहन में शाम सवेर तेरी ही लब पे बात है
तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे, अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम। तो आ गए हम सनम। थैंक यू. All right, now the stage is open for questions from the media. Please, एक-एक करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. Q&A begins now. जल्दी मेरा सवाल आपसे है।